नमस्कार दोस्तों, अमर उजाला की महासंग्राम यात्रा मध्य प्रदेश में है। आज हम सागर में हैं और सागर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राजस्व और परिवहन जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। गोविंद सिंह राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर सबसे पहले आपका। गोविंद जी, यूं तो मैंने देखा कि एक युवा नेता के तौर पर, ऊर्जावान नेता के तौर पर आप बड़े लोकप्रिय हैं, लेकिन बयानों की वजह से बहुत चर्चा में रहते हैं। आपको क्या लगता है, चुनावों के लिए जरूरी होते हैं बयानबाजी? हर जगह से होती है, आपके पास भी कुछ नोटिस आए, मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये क्यों कभी कहते हैं जबान फिसलती है, बहुत सोचे समझे होते हैं कि इस समय पर बयानों की जरूरत पड़ती ही है? देखिए, मैं समझता हूं मैंने तो कोई ऐसा बयान दिया नहीं है, और किस बयान की आप बात कर रहे हैं तो उस बयान के बारे में चर्चा करने को तैयार हूं। मैं, मेरे सारे बयान बड़े होश आवास में होते हैं। मैं कभी भी किसी पार्टी के प्रति, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति कोई अनगर टिप्पणी नहीं करता, जाने अनजाने में भी हो जाती है, ऐसा विश्वास नहीं करता मैं। इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया आपके किसी बयान का भी? इलेक्शन कमीशन ने दुर्भावनापूर्ण इस केस को दर्ज किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे ऐसा मालूम चला कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये उसको FIR की श्रेणी में नहीं माना था, पर चुनाव आयोग ने किसी दबाव बस या जानबूझकर मुझ पर FIR दर्ज की है, जो कि मैं समझता हूं FIR नहीं बनती है। बुंदेलखंड में, बुंदेलखंडी भाषा में ये आम प्रचलित शब्द है जो हमने कहे थे। तो फिर तो आप फिर से कह सकते हो, या आपको लगता है कि अब क्योंकि अब थोड़ी बाध्यता आ गई तो प्रचलन में नहीं जा सकते हैं? देखिए, बाध्यता की बात नहीं है, जो प्रकरण कायम होना था वो तो हो चुका, पर हमारे यहाँ एक बड़ी ही आम भाषा चलती है बुंदेलखंड में, जिसको सभी लोग कहते हैं कि भाई इसे बेवकूफ मत बनाओ, तो गाँव में कहते हैं मत बनाओ, मतलब बेवकूफ मत बनाओ। तो मैंने कहा था कि मोदी जी पूरे देश के चौकीदारों को इमोशनल ब्लैकमेल करके उनको बेवकूफ बना रहे हैं, वो हमने अपनी बुंदेलखंडी लैंग्वेज में कहा था। तो मैं समझता हूं मैंने कहीं गलत नहीं कहा था। अच्छा चलिए, ये तो फिर एक बार विवादित हो जाएगा, और मैं आपके यहां पर जो इंटरव्यू के दौरान भी शब्द आएगा तो मुझे बीप करना पड़ेगा उसको, लेकिन ये बताए मुझे कि अभी एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश अचानक से हॉट स्टेट हो गया, नो डाउट अगला जो फेज है उसमें महत्वपूर्ण सीटें दांव पर हैं, तो यहां पर कार्ड खेलना था, हिंदुत्व का कार्ड खेला गया, साध्वी प्रज्ञा को चेहरा बनाया गया, और सिर्फ बात भोपाल की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के चुनाव को यह प्रभावित कर रहा है, क्या इससे इनकार करेंगे आप? कहीं भी प्रभावित नहीं कर रहा है। भोपाल की बात करें तो भोपाल का चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जा रहा है। दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के बड़े चेहरा है, उनकी पहुंच का, उनके राजनीतिक इतने उम्र के अनुभव का, 10 बार वो सारे साल मुख्यमंत्री रहे, सांसद हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो इस सबका फायदा भोपाल वासियों को मिलने वाला है। और साध्वी जी की बात करो तो मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं देखता हूं कि साध्वी जी का कोई भी ऐसा काम नहीं रहा राजनीति में, उन्हीं कोई ऐसी जनसेवा नहीं रही, कोई उनका ऐसा भोपाल के लिए योगदान काम नहीं रहा कि वो इतने बड़े चेहरा बन के उभरे। उनको जबरदस्ती, वो चाहती है धर्म के नाम बंटवारा हो जाए, वो चाहती है हिंदुत्व के नाम बंटवारा हो जाए, वो चाहती है जाति के नाम पर हो जाए, तो कांग्रेस चुनाव विकास के नाम पर लड़ रही है। दिग्विजय जी को पर्सनल अटैक, क्योंकि उनके जो पूरा मामला रहा उसमें दिग्विजय सिंह जी की भूमिका जो है वो बड़ी अहम रही, वो सवालों के घेरे में भी रही बहुत जगहों पर, और इसीलिए उनको नेक टू नेक फाइट में दिया गया, और आपने देखा कि फिर कड़े बयान भी किस तरह के वो दे रही है। बयान तो वो तो अपने बयान में उलझ रही है, बताइए उन्होंने जो शहीद हुआ, जिस पर पूरी महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री तक कहना पड़ा कि तुम ऐसा बयान मत दो, वो तो खुद वापस ले लिया, उन्होंने बयान को वापस लिया, तो ऐसे ही बयानों में उलझे ही वो। चुनाव बयानों से नहीं, चुनाव काम से लड़ा जाता है, तो मैं समझता हूँ काम के नाम पर वो जीरो है।
अच्छा मुझे ये बताएं कि एक और चर्चा बड़ी में शिवराज जी से भी अभी बात हुई, वो कह रहे हैं जनता बड़ा मिस कर रही है, तो जनता, मैंने कहा कि आप जनता के बीच में ऑलरेडी हैं, मिस क्या कर रही है, तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री होना, तो क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री, वो शिवराज जी या जो बीजेपी का सरकार बनाने की जुगत में है, इस तरह का कोई भय आप लोगों में है? क्या होता है जब लंबे समय कोई आदमी बड़े पद पर रहता है ना, मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो, उसको गलत फीलिंग हो जाती है जनता है मिस कर रही है। जनता कहीं मिस नहीं कर रही है, वो तो सरकार को जनता ने जनरलिस्ट कांग्रेस को दिया है। चुनाव शिवराज सिंह के चेहरे पर लड़ा गया था, चुनाव कमलनाथ जी और सिंधिया जी के संयुक्त चेहरों पर लड़ा गया था। जनता ने जनाधार कांग्रेस को दिया और जनता के जनाधार का विश्वास करते हुए पूरी ताकत से कांग्रेस काम कर रही है। भाजपा गलत हुई पाले हैं, अंदरगल बयानबाजी कर रहे हैं लोग के, हम सरकार गिरा देंगे, वो कर देंगे, चुनाव निपट जाने दो, लोकसभा हो जाने दो, ये सिर्फ उनका एक बहम है और अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखने का उनका तरीका है। कार्यकर्ता भी जानते हैं, शिवराज सिंह जानते हैं, उनके मंत्री जानते हैं कि सरकार नहीं गिरने वाली, सरकार पूरी 5 साल चलेगी। अच्छा एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि अभी जब आपकी सरकार है तो इस समय पर लोगों के लिए असेसमेंट करना बड़ा मुश्किल है। मैं देखता हूं केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर कई जगहों पर लोग तारीफ भी करते हैं, तो कहीं आपको काम करने में या अभी काम दिखाने में थोड़ा समय भी लगेगा, तो आप क्या सोच रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव की जो सोच है वो अभी बरकरार होगी, या मोदी का चेहरा और यहां के जो लोकल चेहरे होते हैं, या जैसा आपने कहा कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया उसमें बड़ा फर्क होता है, आपका जो नेशनल फिगर है राहुल जी, और मैं आपके जब ऑफिस में आया तो आपकी बहुत तस्वीरें उनके साथ लगी हुई, क्या आपको लगता है कि वो कंपेटेबल फेस हैं लोकल, यहां विधानसभा में तो आपके चेहरे जीते, आप कैसे कंपटीशन दिखाएंगे? देखिए मैं समझता हूं पूरा चुनाव जो है लोकसभा का सच और झूठ की लड़ाई है। एक तरफ राहुल जी हैं जो सच के लिए निडरता के साथ, ताकत के साथ और सच्ची बात को उठाने में डरते नहीं है। एक तरफ मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी है जो झूठ बोलने में, असत्य बोलने में पूरे देश में उनका नकाब उतर चुका है। हर चीज जो उन्होंने कही है वो एक भी पूरी नहीं हुई, चाहे 15 लाख रुपया खातों में जाने की बात हो, चाहे 2 करोड़ रुपया रोजगार की बात हो, चाहे 6 दिन वाली बात हो, मैं कहता जो भी कहा है आज भी वो जो कह रहे हैं उनकी बातों को लोग कहते हैं कि ये जुमला है, क्योंकि अमित शाह जी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद कहा कि वो जुमला था। तो अब परत पर परत मोदी जी खुलने लगी है और राहुल जी पर लोगों को विश्वास जागा है। देखिए राहुल जी अगर चाहते, ये मेरा व्यक्तिगत कहना है, राहुल जी अगर चाहते तो 10 साल पहले प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन जो आदमी को प्रधानमंत्री पद का मोह नहीं था, उनके मन में थी जनसेवा, लोगों के बीच पहुंचना, किसानों के बीच पहुंचना, जनता के बीच पहुंचना, और लोग कुछ भी कहते हैं उसको वो साधारण तौर पर करते हैं स्वीकार। तो राहुल गांधी जी का कद बड़ा है, राहुल गांधी जी के प्रति लोगों की सोच बदली है और अब बहुत बड़ा चेहरा राहुल गांधी जी है। मेरा प्रश्न उससे आया था कि आपने कहा था कुछ काम नहीं दिखा जब साध्वी की बात हो रही थी, क्योंकि किसी का काम, राहुल जी को भी काम दिखा, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो कर्मठ नहीं है, उन्हें काम दिखाने का मौका ही नहीं मिल पाया अभी तक, तो कैसे, क्योंकि मोदी जी को तो काफी मौका मिला है और लोग उनकी योजना उज्ज्वला हो या बाकी योजनाओं की बात करें। आपकी इस बात से हम पूर्ण सहमत है कि राहुल जी, हम जनता की कांग्रेस पार्टी की मांग है कि राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बने उनको भी 5 साल जनता को देखना चाहिए। अगर देखने का अवसर मिलता है तो राहुल जी में बहुत कुछ करने की का ना केवल उनके मन में जिज्ञासा है बल्कि पूरा उनको बहुत ज्यादा अनुभव है, उस चीजों का लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ युवाओं का रुख भी अब बहुत बदल रहा है, क्योंकि मोदी जी ने मैनेजमेंट के माध्यम से जबरदस्ती लोगों को खड़ा करके मोदी 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 करवाया और वो मोदी मोदी का जुनून उतरा। पिछले चुनाव में युवा समझ नहीं पाया, वो समझता है कि ये मोदी मोदी सही है, लेकिन बाद में युवाओं को लगा कि ये तो मैनेजमेंट का मोदी मोदी हो रहा है। तो अब युवाओं का रुख ही बदला है, महिलाओं का रुख बदला है, किसानों का रुख बदला है, आम जनता का रुख बदला हुआ है। इस बार मैं आपको दावे से कह सकता हूं इस बार सरकार जो सोच रही है उस स्थिति तक नहीं पहुंचने वाली। फाइनली आपने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के चेहरों पर चुनाव लड़ा गया था, यहाँ दिग्विजय सिंह मिसिंग थे, क्या जानबूझकर या आप उनका नाम लेना भूल गए? नहीं नहीं नहीं, दिग्विजय सिंह जी की भूमिका अलग थी, उनका चेहरा कोई चेहरा, दिग्विजय सिंह जी की भूमिका मैनेजमेंट की थी। दिग्विजय सिंह जी भी जमीन पर बहुत तरीके से काम कर रहे, लेकिन चेहरे दो थे,
इसको बात को मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं। दो चेहरे थे जिनको आगे रखा के रखा था पार्टी ने, वो थे सिंधिया जी और कमलनाथ जी। और ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि तीन धड़े काम करते हैं ऐसा कहते हैं मध्य प्रदेश में। आप ज्योतिरादित्य जी के ज्यादा करीब हैं, तो कोई दिग्विजय जी की अपनी टीम है, कमलनाथ जी की अपनी टीम है, मतलब तीन तीन चार चार मुख्यमंत्री यहाँ पर काम करते हैं, इस तरह की बात भी कही जाती है। देखिए मुख्यमंत्री तो एक ही है कमलनाथ जी, लेकिन ये कि सिंधिया जी का भी, सिंधिया जी का सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान था, इसको हराम नहीं जानता। और सिंधिया जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह सब इस समय एक हैं, और जब भी आवश्यकता पड़ती है सब एक हैं। और घर का मुखिया अगर कमलनाथ जी हमारी पार्टी के इस समय मुखिया हैं, तो उनको अगर कहीं आवश्यकता होती है तो कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, पचौरी जी हों, भूरिया जी, राहुल भी खड़े रहते हैं, सब एक हैं हम लोग। कांग्रेस इस समय पूरे तरीके से मध्य प्रदेश में एक है। क्या उम्मीदें हैं अभी फाइनल मध्य प्रदेश के चुनाव में, आपको क्या उम्मीदें हैं? एक एक बहुत सही से ठीक ठीक असेसमेंट, एकदम ये नहीं कि सारी सीटें जीतने वाला, आपका क्या असेसमेंट कह रहा है? देखिए हम लोग तो 29 सीटों पर ही चुनाव पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा सोचना है कि हम लोग इस बार 20 के आसपास जीतने में कामयाब रहेंगे, और इतना हमको नजर आ रहा है। चलिए ये बहुत बड़ी बात कही है। गोविंद सिंह राजपूत जी बहुत बड़ा चेहरा है यहाँ पे, स्टार प्रचारकों में भी शामिल है और मध्य प्रदेश में लगातार वो दौरे कर रहे हैं, उनका असेसमेंट है। लेकिन ये कुछ सवाल थे जो मैंने कोशिश की कि सागर के बारे में या मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में उनके सामने रखूं। उम्मीद करता हूं कुछ बातें आप तक पहुंच पाई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बातचीत की, और बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का अमर उजाला.com पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।